Hello, my dear kids. Welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 6 by Brain Root Series. And here is a book, Literary Journeys. Today, we are going to start chapter number 14, which is a poem. And the name of the poem is From a Railway Carriage. So, let's start with the warming up exercise. How do you travel when you go on a holiday? The children, you have to answer. जब आप किसी holiday पे जाते हैं तो आप कैसे travel करते हैं? Which mode of travel do you like the best and why? कौन सा mode of transport या कौन सा mode of travel आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और क्यों? How many of you like to travel by train? कितने लोगों को train से जाना अच्छा लगता है? And what kind of scenes do you pass by? कैसे scenes आपको दिखाई देते हैं जब आप train से travel करते हैं? So you have to answer all these questions. Now let us read a poem describing scenes out of the railway carriage window. So railway carriage का जो window है वहाँ से जो poet है बैठ के क्या कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट सीन्स को देख रहा है और वो डिस्क्राइब कर रहा है और हमें बता रहा है कि उसे कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, ब्रिजेस एंड हाउसेस, हेजेस एंड डिचेस. तो पोएट कह रहे हैं कि जो उनकी ट्रेन है वो फास्टर देन फेरीज, फेरीज जो होती हैं, जो परियां होती हैं, उनसे भी तेज जा रही है. Faster than witches, जो witches means जो चुड़ैले हैं उनसे भी तेज भाग रही है उनकी ट्रेन है. और bridges and houses, hedges and ditches, ये सब पीछे छोड़ते हुए जा रही है. तो जब वो रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं. क्या क्या दिखाई दे रही हैं? Bridges, पुल दिखाई दे रहे हैं, houses दिखाई दे रहे हैं, hedges दिखाई दे रहे हैं, मीन्स ऐसे लकड़ी के बाड़े दिखाई दे रहे हैं जिससे लोगों ने अपने गार्डन को कवर कर रखा है. डिचेस मीन्स कई जगहों पे गड्ढे, ऊंचे नीचे पर्वत दिखाई दे रहे हैं. एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन द बैटल, ऑल थ्रू द मीडो द हॉर्सेस एंड कैटल. सो अब यहाँ पे पोएट कह रही हैं या कह रहे हैं कि उनका ट्रेन ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है अलोंग द ट्रूप इन अ बैटल. जैसे कि कोई लड़ाई होती है, युद्ध होती है, तो जो सेना है वो भागती हुई, जो ट्रूप होता है या जो ग्रुप होता है उन सोल्जर्स का, वो भागते हुए क्या करता है, अपने दुश्मन पे आक्रमण करता है. वैसे ही लग रहा है ये ट्रेन जा रही है कहीं किसी लड़ाई पे. ऑल थ्रू द मीडो द हॉर्सेज एंड कैटल. तो ये जो ट्रेन है ऐसे जा रही है, कहाँ से जा रही है, घास के बीच में से गुजरते हुए जा रही है, हॉर्सेज और कैटल्स के बीच में से गुजरते हुए जा रही है. All of the sight of the hills and the plains fly as thick as the driving rain. So अब यहाँ पे poet आगे कहती है कि ये जो sight है, ये जो दृश्य है, उसमें जो है क्या दिख रहा है उन्हें, hills भी दिखाई दे रहे, कहीं पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं पे plain area दिखाई दे रहा है. Fly as thick as driving rain. तो पलक झपकते ही पहाड़ आ रहे हैं और गायब हो जा रहे हैं. रेन, ये जो प्लेन है, प्लेन एरिया आ रहा है और गायब हो जा रहा है. कैसे गायब हो जा रहा है? जैसे कि बहुत तेज एकदम से बारिश पड़ने लगी और वो गायब हो जाए. सो फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, इतनी तेजी से आ रहा है या और इतनी तेजी से ये सारे जो व्यूज हैं उसके आंखों के सामने से गायब हो जा रहे हैं. ट्रेन की स्पीड इतनी तेज है. And ever again in the wink of the eye, of an eye, painted stations whistle by. और पलक झपकते ही poet कह रहे हैं कि and even again in the wink of the eye, उनके पलक झपकते ही जो painted stations हैं, जो अगले station आ रहा है train में बैठने के बाद, जो अगला station आ रहा है वो भी पलक झपकते ही गायब हो जा रहा है. train वहाँ रुक रही है, पैसेंजर्स चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं और ट्रेन जो है अपनी रफ्तार पकड़ के आगे चली जा रही है और विसल करते हुए जा रही है. हियर इज अ चाइल्ड हु क्लैम्बर्स एंड स्क्रैम्बल्स ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स. एक बच्चा दिखाई दे रहा है पोएट को जो क्या कर रहा है, कुछ जो है फलों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. कुछ फ्रूट्स उसे दिख रहे हैं, जंगली फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, उन फ्रूट्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है. ऑल बाय हिमसेल्फ एंड गैदरिंग ब्रैम्बल्स, वो जो है उन फ्रूट्स को गैदर करने की कोशिश कर रहा है. पहले तो तोड़ रहा है,
और फिर उसे गैदर करने की कोशिश कर रहा है. हियर इज अ ट्रैम्प हु स्टैंड्स एंड गेजेस एंड हियर इज द ग्रीन फॉर्स स्ट्रिंगिंग द डेजेस. तो अब जो पोएट कह रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रैम्प दिखाई दे रहा है उन्हें, हु स्टैंड्स एंड गेजेस, जो खड़ा है और देख रहा है ट्रेन को वहां से गुजरते हुए. एंड हियर इज द ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजेस, और यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर की ग्रीनरी दिखाई दे रही है जिसमें डेजी जो फ्लावर है वो खिले हुए दिख रहे हैं. हियर इज अ कार्ट रन अवे ऑन द रोड लंपिंग अलोंग विद अ मैन एंड लोड. अब मुझे एक तरफ एक कार्ट दिखाई दे रही है और वो रोड पे चल रही है और उसमें उस कार्ट में क्या है, कुछ लोड रखा हुआ, कुछ सामान रखा है जिसको एक बूढ़ा आदमी क्या कर रहा है, खींचता हुआ ले जा रहा है. मीन्स उस पर कोई एनिमल नहीं बना हुआ है, वो आदमी ही उस पूरे कार्ट को खींच रहा है. लंपिंग अलोंग मीन्स वो झुका हुआ है, वो बूढ़ा इंसान उस कार्ट को पूरी मेहनत से खींचने की कोशिश कर रहा है. एंड हियर इज अ मिल एंड देयर इज अ रिवर ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर. अब पोएट आगे कहते हैं कि यहाँ पे एक मिल दिखाई दे रहा है. मिल में क्या हो रहा है, जो मिल जो है क्या होता है, एक तरीके की आप कह सकते हो इंडस्ट्री है, तो जहाँ पे जो है चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है या फिर उनको जो है क्लीन अप किया जाता है. सो उन्हें मिल दिखाई दे रहा है और रिवर भी दिखाई दे रहा है. ईच अ ग्लिम्स, सबका उन्होंने बस एक झलक देख पाई है. जो पोएट है वो सिर्फ इन सब चीज़ों के जिनको भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है उन सबका बस एक ही झलक देखा है. एंड गॉन फॉर एवर, और जैसे ही उनकी नज़र पड़ी किसी मिल पे और अगले ही पल वो गायब हो गया, या किसी मैन पे और अगले पल ही वो गायब हो गया. तो जो भी पोएट को यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब चीज़ें इतनी तेज़ी से उनकी आंखों के सामने से गायब हो रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है. उनकी ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ है तो वो इस पूरे जर्नी को क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. एंड द पोएट इज रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग. सो हियर द फर्स्ट वर्ड इज विचेस विच मीन ओल्ड वुमेन हु परफॉर्म इवन मैजिक, जिन्हें अभी हमने चुड़ैल बोला था. हेजेस मीन्स रोज ऑफ बुशेस. ट्रूप्स, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को ट्रूप्स कहते हैं. क्लाइंबर्स, क्लाइंब अप होल्ड टाइटली. ब्रैम्बल्स, फ्री ऑफ प्रिकली थॉर्नी बुशेस. तो उसे कुछ बुशेस इस बच्चे को दिख रहे हैं, वो क्लाइंब कर रहा है, कुछ फ्रूट्स को तोड़ रहा है. डिचेस मीन्स डीप पडल्स. विंक ऑफ एन आई मीन्स वेरी क्विकली. स्क्रैम्बल्स मीन्स मूव क्विकली यूजिंग हैंड्स. एंड ट्रैम्प मीन्स अ पर्सन ऑन द मूव. एंड थिक मीन्स हैवी. सो दीज आर द वर्ड मीनिंग्स. Now let's move on to book exercise comprehension multiple choice question. So here the first question is, what is the child doing? Gazing at the train, gathering brambles, stringing the daisies, riding the cart. So child is gathering brambles. Who is gazing towards the train? A child, tramp, cattle, or a man riding the cart. So here the correct answer is tramp. Similarly children, you have to do the rest of the questions that are given here. Now let's move on to B part, which is find the rhyming words from the poem and fill in the space provided. So yahan pe aapne witches hai to uska aayega ditches. Write it down. Similarly you have to find the rhyming words from the poem. Now let's move on to C part. Answer in one word only. Who is limping in the description of the cart? The man or the cart? So the man is limping. Similarly, find the answer of the rest of the questions. And with this, we have completed this poem. I hope you enjoyed it. So what you have to do, you have to learn the poem, also the word meaning. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.